कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। अब कोई कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं और क्या था पहले था आते जी में सर, फिर आया मैंने इतना समझिए हम लोग के जेडीयू में, अब गया है बीजेपी। दीक्षा कर रहा है और उसके पिता को कौन इज्जत दिया। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है आजकल, फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। एक बार बीच में वो बोलता है हमको, बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दे, कोई जाए उसे से कोई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो पहले मेरे साथ हुआ करते थे वो अब पार्टी से निकलकर अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार। हमको देखना है, अमित शाह भी जा रहे हैं, कोई जाए उसे हमको मतलब, उससे कोई लेना देना। हम तो वहाँ करवा रहे हैं और थोड़ा सा काम जो यूपी वाला भी बचा हुआ है नदी के किनारे वाला, तो उसके चलते लोगों की सुरक्षा हो जाएगी, तो हमने अनुरोध किया है कि भाई उसको तेजी से और करवा दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, उनका गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो आप कितना बार किशोर ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना ना गलत यार, इतना मत ढकेला करो मेरे ऊपर, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए दिए हैं। एक बार हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है अब जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है हमको, बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले आज से चार साल पहले आकर के कह रहा था। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है आजकल, फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। हाँ क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता हम नहीं कुछ करेंगे, खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब, कोई मतलब है, कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता, बोलने दीजिए, छोड़िए, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है, बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है, उसी के काम में कर रहा है। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध, काहे के लिए कर रहा है, सबका विरोध। सर बीजेपी कहती है कि आपके आप ही के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, बताइए इसका मतलब यही बोल रहा है मेरे पर अगर काम कर रहा है इसका मतलब है कि तब ना समझे, अब वो समझे कि जब ये भी बोल रहा है मतलब तुमको भी जगह नहीं मिलेगा, काम करते रहो, जो करना है करो, ठीक है। और जो कुछ भी किया गया है, और चार बार चुनाव हो गया पंचायत का और तीन बार नगर निकायों का चुनाव हो गया, इसके बाद इसके बारे में कुछ बोलना मुझको तो आश्चर्य होता है। सब लोग थे साथ, क्या बात है भाई, कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। कोई कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं और क्या था पहले था आरजेडी में, फिर आया मैंने यहाँ समझिए हम लोगों के जेडीयू में, अब गया है बीजेपी। ये क्या कर रहा है, और उसके पिता को कौन इज्जत दिया था, हम ही लोग ने दिए थे जी, जो समता पार्टी बना था उसी में ना, यही ना गांधी मैदान में जिस दिन नामकरण किए थे समता पार्टी, और उसी दिन इंडिपेंडेंट थे, यहाँ शामिल कराए थे। आप जरा सोच लीजिए, सब लोगों के लिए जिसके लिए बहुत कुछ हम किए हैं उसको भूल जाता है और ये सब बात करता रहता, क्या क्या बोलता रहता हमको समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग बोलते रहते होंगे सोच करके कि हम बोलते रहेंगे खूब पब्लिसिटी होगी तो आप लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों पर भी नियंत्रण केंद्र सरकार का हो गया है, आप थोड़ा बहुत मेरा छाप दीजिएगा एक बार, लेकिन बाकी जो है कुछ करवे नहीं करिएगा, उसका एक तरफा चलता रहेगा, आपका भी मजबूरी है, क्या करेंगे। सुशील मोदी का आपकी मजबूरी नहीं, आप गलती नहीं करते, लेकिन चूंकि आप पर नियंत्रण कर लिया है ऊपर, इसलिए सुशील मोदी कहते कि आपके जीत के कारण ये हुआ है जो अति पिछड़ा समाज हो रहा है। सोच लीजिए, श्री सुशील मोदी जी से कहिए कि जब ये किया गया तो आप उप मुख्यमंत्री ही नहीं थे, इस विभाग के भी थे, भूल गए। और हम लोग तो आपसे आग्रह करेंगे, आप
तो सुना आपने, वहीं सीबीआई के मुद्दे को लेकर भी नीतीश कुमार ने जोरदार हमला बोला है। साथ ही ये तक कह डाला कि प्रशांत किशोर ही हैं जो पहले मुझे ये आश्वासन देते थे कि आप कांग्रेस में मिल सकते हैं, जिसको हमने ही नकारा। बावजूद इसके अब प्रशांत किशोर जो है वो मेरे खिलाफ अब बातें करते नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही कहते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।